थोड़ा सा हरा धनिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मेरे लिए है तो रात पर हुई गुड मॉर्निंग है, क्योंकि आज मैं दिन में सो गया और अब उठा मुझे लगा अगले दिन की सुबह हो गई, पर अभी रात ही हुई है। तो अभी उठा मैं, समझ में ही नहीं आया, एकदम से नींद भी आ गई और मुझे पता ही नहीं लगा हुआ क्या आज ही। तो अब जब मैं उठा तो मेरे को लग रही थी भूख, तो पहले मैंने सोचा बाहर से कुछ खाना मंगा लेता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, रोज़ रोज़ बाहर का खाना भी अच्छा नहीं होता, तो घर में ही कुछ बनाते हैं। अब जल्दी भूख तो लग रही है काफ़ी तेज़, जल्दी बनाने के लिए मैंने सोचा हरी चटनी बनाता हूँ एक तो, और उसके साथ पनीर भुर्जी। तो फिर आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हरी चटनी कैसे बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पनीर भुर्जी में मैंने क्या क्या डाला। तो हरी चटनी के लिए मैंने ये सब चीज़ें ली हैं। ये है हरा धनिया, एक बंच लिया है मैंने पूरा हरा धनिया का। ये है मिंट यानी कि पुदीना, ये लिए लाइक 15 से 20 लीव्स लिए हैं इसकी। और ये है ग्रीन एप्पल, एक मैंने ग्रीन एप्पल लिया। ये कुछ वेजीज है इसमें डालने के लिए, तो ये है आधे से भी कम प्याज है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, और ये थोड़ी सी कैप्सिकम है, और 3 मैंने ली हैं हरी मिर्च। ये आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं हरी मिर्च चटपटे के अनुसार। और ये 25 से 30 दाने हैं पीनट्स मूंगफली के, राइट। और ये है भुना हुआ जीरा और काला नमक। शुरुआत कर रहा हूँ मैं इसमें ग्रीन एप्पल से। इसमें पहले मैंने ग्रीन एप्पल डाल दिया, फिर मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा मिंट, फिर मैंने इसमें डाल देना है ये जो कैप्सिकम और प्याज वगैरह था। अब इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया धो के, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने धो के काटा हुआ है क्योंकि इसमें मतलब मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो हरा धनिया को काटना ज़रूरी होता है। मूंगफली आधा चम्मच के अराउंड मैंने इसमें भुना हुआ जीरा डाला है, और सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, मैं ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक सॉल्ट अच्छा होता है थोड़ा, बाकी आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं अगर ब्लैक नहीं है आपके पास। ये हो गया डाल, इसमें मैंने बस थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी बस मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको चलाते हैं। चटनी अपनी तैयार है। खुशबू तो यहां तक आ रही है हरे पुदीने की। अभी जब ट्राई करोगे ना तो फिर बताना मुझे। फिर बताएं। ऐसी अच्छी चटनी होगी, वर्ल्ड्स बेस्ट चटनी। तो ये रही आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड हरी चटनी। ओहो, मैं तो 2 चीजें भूल गया। एक तो सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। और दूसरी चीज जो है, जो मैंने चटनी बना ली ना, चटनी बनाने के बाद ना इसमें एक नींबू डाल के और इसको दोबारा से थोड़ा सा चलाना पड़ता है, पर मैंने नींबू भी डाल दिया, चला भी दिया, सब कुछ कर दिया, पर आप लोगों को दिखाना भूल गया, जिससे खटास आ जाएगी। वैसे तो ग्रीन एप्पल भी थोड़ा सा खटास के लिए डालते हैं, पर जो नींबू है वो डालना होता है खट्टेपन के लिए, तो मैं वो आपको दिखाना भूल गया। तो इसमें चटनी बनाने के बाद ही डालना पड़ता है, जिससे कि आप इस चटनी को 4-5 दिन तक स्टोर कर लें, तो ये रंग नहीं बदलेगी। तो फिर अब हम तैयारी शुरू करते हैं पनीर भुर्जी की। पनीर को यहाँ पे ग्रेट कर रहा हूँ कद्दूकस में, मुझे ऐसे पसंद है, आप इसको मैश भी कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। मैंने लिया है लगभग 450 ग्राम पनीर, 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इसमें वैसे आप लहसुन भी डाल दे सकते हैं, पर मैं लहसुन नहीं डालता। मसालों में मैंने लिया है जीरा है, ये हल्दी है, ये गरम मसाला है जो मैंने खुद ने बनाया हुआ है, इसमें सारे खड़े मसाले मिक्स करके, और ये धनिया है पाउडर, पाउडर धनिया, और ये नमक है। तो आओ शुरू करते हैं, बनाते हैं सब। ये घी भी मैंने घर में ही बनाया है, तो मैं घी में बना रहा हूँ, आप अगर ऑयल में बनाना चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ इसमें 2 चम्मच के अराउंड घी, तो मैं इसमें ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून जीरा। जब आपका जीरा ब्राउन हो जाए तो इसमें आप प्याज डाल दें। प्याज को थोड़ा चलाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगा
अदरक और ग्रीन चिली। जब प्याज थोड़ी लाइट ब्राउनिश टाइप हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें डालूंगा टमाटर। टमाटर को थोड़ा मैश कर लेंगे हम, इसको इससे दबा दबा के थोड़ा सा। गैस सिम करके इसमें मैं अब हल्दी और बाकी के मसालों से शुरू करता हूँ। तो ये 1/4 टीस्पून है हल्दी की जो मैंने इसमें डाल दी है। ये 1 टीस्पून है धनिया पाउडर की, ये मैंने इसमें डाल दिया है। आधा स्पून मैं इसमें गरम मसाले की डालूंगा। अब मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ। अपना मसाला तैयार हो गया है, थोड़ा मुशी सा हो गया है और बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें पनीर डालूंगा। अब हम पनीर को और मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे। कुछ एक लोग ना इसमें मटर भी ऐड करते हैं, अगर आप लोग चाहो तो आप डाल सकते हो मटर, पर मेरे को मटर अच्छी नहीं लगती तो मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं इसमें। अब क्या है, एक और बात, जो ये पनीर है ना, वैसे तो ये तैयार हो चुका है पर ऐसे थोड़ा सा ना ये ड्राई सा हो जाता है, तो मैं इसमें इसकी थोड़ी सी ड्राइनेस हटाने के लिए एक इंग्रेडिएंट और यूज कर रहा हूं जो कि है मिल्क। तो वो मैंने बस आधा कप से भी, ये आधी कटोरी है वैसे मेरे पास, बस ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाल देना है, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा हमें डालना है इसमें। इस दूध को ऐड करने से थोड़ी सी पनीर की ड्राइनेस कम हो जाती है। दूध डालने के बाद आप इसको 1-2 मिनट गैस पे रख के और थोड़ा सा चला ले, जिससे कि दूध इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। बाकी ये डन है, अपनी पनीर भुर्जी बन के रेडी हो चुकी है। अब ये सर्व करते हैं हम इसको एक बोल में डाल के, और ऊपर से गार्निश करने के लिए इस पे थोड़ा सा हरा धनिया। सर जी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हरा धनिया के फैन है ना। तो जो ये हरी चटनी बनाने का मकसद था मेरा, ये था कि मैं अब इसको पनीर भुर्जी को सैंडविच में डाल के खाऊंगा और हरी चटनी को या तो उसके साथ में या अंदर ही लगा के खाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये क्विक एंड ईजी मिडनाइट क्रेविंग वाली रेसिपी अच्छी लगी हो, और भी मैं रेसिपी आपके लिए लेता आऊँगा। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे हाँ, एक बात तो बतानी भूल गया कि कल को होली स्पेशल के लिए मैं कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाने जा रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी आपने मिस नहीं करना है और अपना प्यार देने ऐसे ही आना है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।